सो गाइस आज की ये कमाल धमाल वीडियो उन सभी यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस चीज से परेशान है कि उनके चैनल पर व्यूज नहीं आते हैं। गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, यूट्यूब ने यहाँ पर एक ऑफिशियल ऐसा अनाउंसमेंट किया है जहां पर उसने खुद पर खुद बताया है कि आप अपने कॉन्टेंट को किस तरीके से ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोगों की ऑडियंस तक वीडियो नहीं पहुंच रही है तो यूट्यूब ने जो बताया है वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सुन लेना, आप लोगों का जो कॉन्टेंट है वो वाइडर ऑडियंस, ग्लोबल ऑडियंस तक आसानी से आप पहुंचा सकोगे। ठीक है, और गाइस ये चीज किसी भी यूट्यूबर ने आज तक आप लोगों को नहीं बताई, टोटली न्यू है कि YouTube की तरफ से कल ही ये चीजों को बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए आज के इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब साइड में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई आ रही है, हाउ टू मेक योर कंटेंट रीच अ ग्लोबल ऑडियंस। ठीक है, ये YouTube ने खुद बताया है। इसमें तीन पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट आप लोगों को समझना जरूरी है। अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप अपने कॉन्टेंट को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, ग्लोबली पहुंचा सकते हो और इतने व्यूज आएंगे गिन नहीं पाओगे। सुनिए गाइस, सबसे पहला पॉइंट गाइस यहाँ पर निकल के आता है, आप लोग देख सकते हो, मेंटेन वन चैनल विद कॉन्टेंट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस टू बी मोर इंक्लूसिव। यहाँ पर गाइस इसका मीनिंग ये है, अगर आप एक कंटेंट बना रहे हो ठीक है, उसको क्या है मल्टीपल लैंग्वेजेस में बनाना चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल गाइस आप लोग हिंदी भी जानते हो, उर्दू भी जानते हो, इंग्लिश भी जानते हो, तो कोशिश करो आप अलग अलग लैंग्वेजेस में वो कंटेंट को बनाओ ताकि आपकी जो वीडियो है वो उन सभी लैंग्वेज वाले पीपल्स तक आसानी से पहुंच सकेगी। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, अपने कंटेंट को अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाना है। अगर आप भाई तीन चार लैंग्वेज जानते हो तो कोशिश करो उन तीन चार लैंग्वेज में अपनी वीडियोस को बनाओ ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो वहां तक आपकी वीडियो आसानी से पहुंच जाएगी। फॉर एग्जांपल आप उर्दू में वीडियो बनाते हो तो गाइस उन्हीं लोगों तक वीडियो जाएगी जो लोग उर्दू जानते हैं। ठीक है, जो लोग जानते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, तो उन्हीं तक आपकी वीडियो आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक है ना, अगर आप इंग्लिश में वीडियो बनाते हो तो इंग्लिश ऑडियंस तक आसानी से आपकी वीडियो पहुंचाई जा सकेगी। गाइस एल्गोरिथम इसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो गाइस अब यहां पर बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि यहां पर कहा गया है, ऐड कैप्शंस मैन्युअली और ऑटोमेटिक कैप्शंस टू मेक योर वीडियोस एक्सेसिबल टू एवरीवन। अब गाइस इसका मीनिंग ये है, आप लोगों को कैप्शंस जो है जरूर ऐड करने हैं अपने लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल आप कैप्शन समझ सकते हो सबटाइटल्स के रूप में। ठीक है, टाइटल वगैरह आपको डालना है, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट ये तो डालना ही डालना है। ठीक है, जो भी आप लैंग्वेज में बनाते हो वीडियोस को। अब गाइस यहां पर निकल के आता है सबटाइटल्स। अगर गाइस आप लोग सबटाइटल्स डालते हो तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक आपकी वीडियो पहुंचेगी। कैसे, मैं इसका एग्जांपल भी बताता हूं। अगर आपकी वीडियो गाइस हिंदी में है ठीक है, और अगर आपने उसमें सबटाइटल्स इंग्लिश के डाल दिए तो कहीं ना कहीं आपकी वीडियो इंग्लिश जो बोलते हैं लोग उनके पास भी आपकी वीडियो डेफिनेटली पहुंचेगी। ठीक है, और गाइस उनको समझने में आसानी भी होगी। फॉर एग्जांपल कोई इंग्लिश वाला बंदा है, इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलना नहीं जानता है, तो आपकी वीडियो भले हिंदी में होगी लेकिन अगर आपके सबटाइटल्स उसमें इंग्लिश में ऐड होंगे तो वो वीडियो को आसानी से देख सकता है, समझ सकता है। तो इसलिए गाइस आप लोगों को सबटाइटल्स जो है जरूर ऐड करने। ठीक है ना, अब गाइस ये हो गए हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब गाइस बढ़ते हैं अपने तीसरे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि गाइस यहां पर कहा गया है, ऐड सेक्शंस एंड प्लेलिस्ट फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड जियोग्राफिक्स। ठीक है, अब गाइस इसका मीनिंग ये है, फॉर एग्जांपल आप अपने चैनल पर अलग अलग लैंग्वेजेस की वीडियोस बनाते हो तो गाइस आप लोगों को एक प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल हिंदी में वीडियोस बनाते हो तो हिंदी की एक अलग प्लेलिस्ट आपको बनानी है। अगर आप उर्दू में वीडियोस बनाते हो तो उर्दू की अलग लिखनी है। अगर आप स्पेनिश में बनाते हो स्पेनिश की लिखनी है। अगर आप इंग्लिश में वीडियोस बनाते हो तो इंग्लिश की अलग प्लेलिस्ट बनानी है ताकि भाई जो भी ऑडियंस आपके चैनल पर आ रही है अलग अलग लैंग्वेजेस की तो वो प्लेलिस्ट देख के समझ सके कि उर्दू वाली प्लेलिस्ट है तो हमको इसको देखना है। ठीक है, हम उर्दू जानते हैं। तो गाइस ये जो चीजें हैं वो यूट्यूब ने बताई हैं, अगर आप इन पर डीपली फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपकी वीडियो जो है वाइडर से वाइडर ऑडियंस तक पहुंचेगी, ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचेगी। ठीक है गाइस, जो भी लैंग्वेज आपने सीखी है ना, जो भी लैंग्वेज जानते हो ना, उसमें बनाना वीडियो शुरू कर दो। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि भाई मेरे चैनल पर सिर्फ हिंदी वाली ऑडियंस है, इंग्लिश वाली नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है भैया। अगर आप उर्दू जानते हो ना, स्पेनिश जानते हो, चाइनीज जानते हो ना, चाइनीज में भी वीडियो बनाओगे ना तो उसकी ऑडियंस तक वीडियो पहुंचेगी जो चाइनीज जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि भाई मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूं तो मेरी इंग्लिश वालों तक नहीं पहुंचेगी। नहीं भैया, सबटाइटल्स वगैरह ऐड करो, जिस भी लैंग्वेज में बनाना चाहते हो बनाओ। ठीक है, तो गाइस यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और गाइस अगर आप लोगों के व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं ऊपर वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, और गाइस अगर आप लोगों के सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं नीचे वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना। चलिए गाइस मिलता हूं ऐसे किसी अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।